मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर चुनौती को बड़ी सरलता के साथ हल कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ देखा जा सकता है और प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति कर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और हर प्रदेशवासी तक प्रमुखता से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और अगर किसी कारणवश कोई चुनौती उत्पन्न हो तो उसका समाधान त्वरित तौर पर किया जाए। ऐसी ही भावना को लेकर खुद मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रदेशवासियों के लिए पिछले 8.5 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में आई हर चुनौती, हर समस्या, हर दुविधा का समाधान निरंतर किया गया है और किया भी जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी आईडी की, जो प्रदेश सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं थी, जिसमें कई अड़चने आई और उन्हें बड़े ही सरलता के साथ हल कर दिया गया और मौजूदा समय में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने शहरी जमीन की पैमाइश करवा ली है और जिसका परिणाम है। पीछे तो काफी समस्या आ रही थी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, तो पीछे सीएम साहब ने पूरा बहुत ज्यादा अब करनाल का दौरा कर ही रहे हैं, पीछे हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड में लोगों की समस्या सुन रहे हैं। समस्या सुनने से उनको उनके संज्ञान में आया कि प्रॉपर्टी आईडी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तब हर वार्ड में लग रही हैं आपकी कैंप लग रहे हैं और वहीं पर समाधान हो रहा है, अब वहां पर जाने की जरूरत, निगम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले दिनों हरियाणा सरकार के सामने बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती आई, जिससे राज्य के 22 जिले में से 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। इस चुनौती से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया, जिसे बाढ़ से हुए नुकसान पर खर्च किया जा रहा है। हाँ, देखा गया था पूरे हरियाणा में बाढ़ से मतलब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, एनडीआरएफ की टीम में भी वहाँ पे लगी हुई थी बचाव कार्य में, और देखा गया कि सरकार ने जो मृतकों के परिवार उनको 4-4 लाख रुपए दिए हैं, और साथ ही जो किसान थे जो परेशान हो रहे थे, फसलें जिनकी ख़राब हो गई थी उनको भी मुआवजे का कहीं ना कहीं ऐलान किया है, तो काफ़ी राहत मिली है किसानों को भी और जो आमजन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। बाढ़ से जो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है उनकी। अब 31 जुलाई को नूह जिले में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई और उसके बाद जो तनाव की स्थिति बनी, वो हरियाणा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद संज्ञान लेते हुए हालात को सामान्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और केंद्र से मांगी गई 16 कंपनियों समेत हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां नूह में तैनात की गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया। हरियाणा सरकार में जो नूह पर हिंसा हुई उसमें हमारा हरियाणा की सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम किया। सरकार ने तुरंत मौके को संभालते हुए पुलिस अधिकारियों को वहाँ पर मौके पर ड्यूटी लगाई और पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही सहज तरीके से जिस प्रकार के दंगे फैल रहे थे उनको बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से रोका गया और जितने भी दंगाइए थे उनको काबू भी किया गया, और सरकार की हम इस बात पर बहुत ही अच्छी प्रशंसा करते हैं कि सरकार इस प्रकार के अगर कोई प्रदेश में से हिंसा फैलती है तो सरकार तुरंत मौके पर ही अपना फैसला लेती है और जरूरी कदम उठाती है जिससे आम पब्लिक को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकारों के दौरान की गई ज्यादातर भर्तियां मुकदमेबाजी का सामना कर रही थी, जो हरियाणा सरकार के लिए एक चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली मौजूदा राज्य सरकार ने इस चुनौती को हल कर लिया है और पारदर्शी भर्ती नीति के परिणाम स्वरूप सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जाने लगा है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट सिस्टम के चलते ग्रामीण युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपनों को भी अब पंख लग चुका है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के प्रत्येक काबिल युवा को उसकी मेहनत का फल और सरकार का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। नौकरियों में बहुत पारदर्शिता है, जैसे बच्चे अपने नंबरों के हिसाब से अब नौकरियां मिलती हैं। देश भर में बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1,20,000 रुपए वार्षिक है, लेकिन
हरियाणा में गरीब परिवारों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में ये समस्या खत्म हो गई है कि जिसकी भी आय कम है उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। अब हर उस परिवार का राशन कार्ड बन गया है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी बन गया है जिसने बीपीएल आय के मापदंडों को बदला है। इसके फलस्वरूप बीपीएल परिवारों की संख्या अब बढ़कर लगभग 29 लाख हो गई है, तो वही जनवरी 2023 में 12.5 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। जो बीपीएल परिवार की आय में बढ़ोतरी की है वो सरकार की अच्छी पहल है। पहले काफी लोग इसे वंचित थे, पहले ये 1,80,000 या उससे कम आय होती थी उनका बीपीएल कार्ड बनता था, पर इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। इससे बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा, यह सरकार बहुत अच्छी पहल, सरकार धन्यवाद कर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व का ही असर है कि हरियाणा में सबका साथ सबका विश्वास की भावना से निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति का विकास करने के लिए नई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के लोगों को मिल रहा है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। ਰੋਣੀ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ